दिल्ली की जनता की अगर हम बात करें तो उसके बीच जब हम इन सवालों को लेकर पहुंचे हैं तो दिल्ली की जनता ने क्या कुछ कहा है, दिल्ली की जनता ने किस तरीके से अपने विचार सामने रखे हैं, हम उनको लेकर दिल्ली की जनता के सामने पहुंचे। तो पहला सवाल आपको दिखाते हैं, लोकसभा चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, ये हम दिल्ली की जनता से पूछ रहे हैं। 23.65% लोग कहते हैं विकास, 14.75% लोग कहते हैं महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान 14.95% लोग कहते हैं, बेरोजगारी 35.49% लोग कहते हैं, इनमें से कोई नहीं 11.16% लोग कहते हैं। अवधेश उपाध्याय जी मेरे साथ हैं, राहुल लाल भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी से अनमोल जी भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे। अवधेश जी, मुंबई की बात, महाराष्ट्र की बात करें और दिल्ली की बात करें, पहला जो सवाल है हमारे पहले सवाल के जवाब में बेरोजगारी को करीब करीब 35% लोगों ने प्रमुखता दी है, क्या जवाब है आपके पास? देखिए पत्रकार महोदय, दिल्ली की यदि हम बात करें तो दिल्ली में तो एक ऐसी सरकार है, महाभ्रष्ट सरकार है, जिसने केवल केवल दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम किया है, जिसने कोई विकास दिल्ली में नहीं किया, केवल घोटाले के अलावा बड़े बड़े घोटाले दिल्ली में किए गए दिल्ली सरकार के द्वारा। रही बात बेरोजगारी की, 22,000 पद खाली पड़े हैं दिल्ली में, कौन भरेगा उसको? केंद्र सरकार भरेगी केजरीवाल सरकार भरेगी? जो दिल्ली की सरकार कौन जिम्मेदार है उसका? दिल्ली सरकार। अवधेश जी एक बात बताइए, अवधेश जी जब मैंने आपसे महाराष्ट्र में सवाल पूछा तो आपने राष्ट्रीय औसत बताना शुरू कर दिया, अब जब दिल्ली का 35% आंकड़ा रखा तो आप दिल्ली की सरकार को खराब बताने लगे, एक चीज तय कर लीजिए ना। नहीं नहीं, वही मैं उसमें बता रहा हूँ, महाराष्ट्र की बात थी। देखिए कुछ जो चीजें होती है वो राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी होती है। अगर आप बेरोजगारी देखें महाराष्ट्र में तो वहां धीरे धीरे वो बढ़ रही है, वहां वैकेंसी निकलती है, फिलअप होती है। दिल्ली में तो वैकेंसी नहीं निकलती, आप देखिए ना स्कूलों का जो बात करते हैं, स्कूल मॉडल की जो बात करते हैं, स्कूल में शिक्षक नहीं है उनके, जब वैकेंसी नहीं निकलेंगी तो वो फिलअप कैसे होंगी? मैं वही तो आप देखिए, मैं चर्चा को आपके मैं चर्चा को आपके साथ खींचना नहीं चाहता, लेकिन यही सवाल यही आंकड़ा महाराष्ट्र में था, आपने राष्ट्रीय औसत से एक तरीके से डक कर दिया, और अब दिल्ली की बात आई तो यहां पर आपके सामने एक चेहरा है, आप उसको जबरदस्त सुना रहे हैं, तर्क लग नहीं रहा कि आप तर्क के साथ बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए मैं सुना नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं, देखिए जो बेरोजगारी की बात आई, जो राष्ट्रीय स्तर है उसमें बेरोजगारी दर घटी है, जो मैंने आपको बताया जो राष्ट्रीय नमूने सर्वेक्षण उसकी रिपोर्ट 2023 में आई, उसकी जो रिपोर्ट। ठीक है उपाध्याय जी, उपाध्याय जी संदेश आपका दर्शकों तक पहुंच गया हमारे पहले सवाल के जवाब में। राहुल लाल, दोनों ही जगह महाराष्ट्र और दिल्ली एक आर्थिक राजधानी को अपने पास समेटे हैं और एक राजनीतिक राजधानी को, देश की राजधानी को समेटे हैं, दोनों जगह 35% बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो जनता के मुंह पर सबसे ज्यादा है, किस तरीके से आप ले रहे हैं? मैं राजीव जी, देखिए आपके इन आंकड़ों से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि विपक्ष जो लगातार बेरोजगारी के आंकड़ों को उठाता रहता है कि बेरोजगारी बहुत एक गंभीर समस्या है, जनता भी उसे मान रही है। और चूंकि देखिए दिल्ली और मुंबई दोनों के दोनों भारत के महानगर हैं, महाराष्ट्र भी अगर उससे पीड़ित है, दिल्ली भी पीड़ित है, तो यह समस्या जो है कि राजस्तरीय समस्या नहीं है, ये राष्ट्रव्यापी समस्या है। और ऐसे स्थिति में चूंकि देखिए सरकार के आंकड़े किस रूप में है, ILO क्या आंकड़े दे रही है, वो हम तमाम तरह के चीजों को देख रहे हैं, बेरोजगारी है, सरकार को इसे स्वीकार करना पड़ेगा। और जनता कहीं कहीं वोट जब देने के लिए जा रही है वो बेरोजगारी को मान रही है, और मैं मान रहा हूँ कि इसमें स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी बेरोजगारी की स्थिति भारत में बनी है, भले ही आंकड़ों के हिसाब से उसे बाएं बाएं करने की तमाम कोशिशें की जा रही है, जनता उसे समझ रही है। हम लोग भी जब फील्ड में जाते हैं तो लोग तमाम सबसे पहले चर्चा करते हैं, तो उसमें बेरोजगारी, महंगाई, ये लोगों के सबसे ऊपर चर्चा के केंद्र बिंदु में रहते हैं। अब दूसरी चीज की क्या किसको जिम्मेवार माना जाए, देखिए दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी समझना पड़ेगा, यहाँ पे अधिकांश शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार के पास ही है, और दिल्ली में बहुत सारी मल्टीपल एजेंसियां यहाँ पे काम कर रही है, केवल दिल्ली सरकार अकेले तो है नहीं, मल्टीपल एजेंसियों वाला जो है कि जगह है दिल्ली में, लेकिन वो एक राष्ट्रव्यापी समस्या है, उस रूप में उसे देखना पड़ेगा। चलिए इस मल्टीपल एजेंसी के बीच में जो दूसरा सवाल निकल कर आ रहा है उसे भी आपके सामने रख देता हूं, और जब विस्तार से सारे सवालों के जवाब आएंगे तब हम महाराष्ट्र और दिल्ली को भी आपके बीच में रख देंगे एक साथ। दूसरा सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे, गौर से सुनिएगा जो दिल्ली ने कहा, पार्टी 20.66% लोग कह रहे हैं, उम्मीदवार 11.16% लोग कह रहे हैं, धर्म जाति
2.19%, कामकाज 62.61% और इनमें से कोई नहीं 3.38%। राहुल लाल, यहां भी वही चीज आती हुई दिखाई पड़ रही है, 62 और 61 महाराष्ट्र का था, कामकाज और बेरोजगारी ऐसा लग रहा है कि सेम ट्रैक पर है दिल्ली और महाराष्ट्र। राहुल लाल, जो आंकड़े हैं बिल्कुल वो सेम ट्रैक पर है और काम काज के आधार पर अगर लोग मूल्यांकन कर रहे हैं और बेरोजगारी को जिस तरह से लोग प्रथम समस्या गंभीर समस्या मान रहे हैं तो वो चीजें हम लोगों को दिख रही हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में अपने 6 उम्मीदवार बदलने की जरूरत पड़ गई है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसको टालने का प्रयास हो रहा है दिल्ली में बीजेपी की तरफ से, ये आपके आंकड़े में और जमीन पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में दोनों स्तर पर ये चीजें कोरिलेट होते हुए मुझे नजर आ रही है। क्योंकि देखिए 2014 हो 2019 हो, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में बिल्कुल गढ़ रहा है, सातों के सातों लोकसभा चुनाव वो जीतती भी रही है, लेकिन इस बार अचानक से 6 उम्मीदवारों को जैसे बीजेपी ने बदला है और आपके जो आंकड़े आ रहे हैं मेरे ख्याल से राहुल लाल जी, बीजेपी इस तरह से चौंकाने के लिए जानी जाती रही है, इस तरीके से बीजेपी जो बदलाव करती है वो अभी का शायद मुझे ऐसा लगता है अभी का नहीं है, ये पुराना इतिहास है। अवधेश जी, दिल्ली में भी वही स्थिति है, बेरोजगारी को सबसे पहले नंबर पर है, 62% लोग यहां पर कामकाज के आधार पर वोट की बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र और दिल्ली एक जैसा सोच रहे हैं? देखिए दोनों में फर्क है पत्रकार महोदय, मैं बताऊं भाई, देखिए महाराष्ट्र में मैंने क्या बताया, वैकेंसी निकलती है वहां फिल हो रही है धीरे धीरे, लेकिन आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में जब से केजरीवाल सरकार आई है हमारी दिल्ली में तब से कोई वैकेंसी निकली है ना, तो शिक्षकों की वैकेंसी निकली, आप स्कूल देखिए ना, जो स्कूल मॉडल ये बात करते हैं स्कूल मॉडल की, उस स्कूल में आप जाकर देखिए आधे ज्यादा स्कूलों में टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल तक नहीं है, बच्चे क्या पढ़ेंगे उस स्कूलों में। रही बात विकास की, काम की, देखिए जो काम दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा किया गया है वही विकास दिल्ली का हुआ है। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कहा था जहां डूबी वहां मकान, तो वहां मकान आज लोगों को मिल रहे हैं, मोदी सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। आज इलेक्ट्रिक बसें अगर दिल्ली में चल रही हैं तो वो मोदी सरकार की देन है, जिससे पॉल्यूशन से लोग निजात पा सके दिल्ली के। आज दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा एक नया स्कूल नहीं बनाया गया, लेकिन मोदी सरकार द्वारा 20 नए केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय का निर्माण हो चुका है दिल्ली में। लेकिन फर्जीवाड़ा करवा लो केजरीवाल सरकार से, एक आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी का खुला चाह रहा है। चलिए अनमोल तंवर जी का भी रुख कर लेते हैं, अनमोल तंवर जी का भी रुख कर लेते हैं, थोड़ी देर से आम आदमी पार्टी से हमारे साथ शामिल हुए हैं, आपका जवाब तो गया, आपका जवाब अवधेश जी जनता ने सुना भी, आप क्या कह रहे हैं दिल्ली में क्या कुछ काम हुआ है। अनमोल तंवर जी, हमने दिल्ली की सरकार, दिल्ली में जनता से दो सवाल पूछे जो अब तक निकल चुके हैं। पहले सवाल में दिल्ली की जनता ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया है, दूसरे में दिल्ली की जनता ने यह कहा है कि कामकाज के आधार पर हम वोट करेंगे, ये दो जवाब आपको क्या दिखाते हैं, क्या दर्शाते हैं? देखिए राजीव जी, दिल्ली सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने एक पारदर्शी और सहभागी दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया है जो आज पूरे देश को दिशा दिखा रहा है। दिल्ली सरकार ने जो भी वादा अपने मैनिफेस्टो में किया उसे हर चुनाव से पहले पूरा करके दिखाया, यही कारण है कि हर बार चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री दिल्ली के लोग चुनते हैं। आज दिल्ली में 24 घंटे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, विश्व स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसा कोई अन्य राज्य नहीं है इस देश में या कोई भी ऐसी सरकार। अनमोल जी, दिल्ली की जनता ने जो दो जवाब दिए हैं, पहले जवाब में यह कहा 35% बेरोजगारी सबसे ज्यादा उनका ध्यान है वोटिंग या अपने रुझान को बताते हुए, दूसरे में उन्होंने कहा कि वो वोट करेंगे तो कामकाज को सबसे बड़ी प्राथमिकता देंगे, ये दो जवाब अगर दिल्ली के लोग दे रहे हैं, आप क्या समझते हैं जवाब से? देखिए बेरोजगारी दूर करने के लिए जैसा मेरे अभी साथी बता रहे थे कि शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, ये बिल्कुल निराधार बातें हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले 7 साल में तो आप बता दीजिए, चैनल में बैठे हैं आप, नेशनल चैनल में बैठे हैं, दर्शकों को बता दीजिए कितनी वैकेंसी भरी गई है। सर मैं बता भी दूंगा, आपने शायद आप तथ्यों से वाकिफ नहीं है, 2014-15 में 34,000 सर बोलने देंगे तभी तो बताएंगे, 2014-15 में 34,182 टीचर थे रेगुलर, आज 8 साल बाद 47,914 टीचर्स रेगुलर हैं।
हाल ही में 2023 में पड़ी है दिल्ली सरकार की मान्यवर, हाल ही में 2023-24 में 324 आप बोलने देना चाहते ही नहीं है। आप चाहते नहीं है कि लोगों को सच्चाई पता चले। अब मैंने जब आपको सच्चाई बताई है अवधेश जी आपको मौका मिला, अनमोल जी अपनी बात रख रहे हैं। अनमोल जी पूरी कीजिए बात, फिर मैं अगले सवाल पर जाऊंगा, आप पूरी कीजिए। राजीव जी ऐसा है ना, इनकी ये जब एक्सपोज हो जाते हैं, इनके झूठ का पर्दाफाश जब हो जाता है, जब ये जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं और जब असल तथ्य बताए जाते हैं, तो ये इसी तरह से बीच में जो है इंटरप्ट करते हैं। 324 प्रिंसिपल्स की नियुक्ति और 390 वाइस प्रिंसिपल्स की नियुक्ति यूपीएससी के माध्यम से 2023 में हुई है, तो इन्हें तथ्यों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ये केवल जिस तरह से इनके नेता 2014 से देश को गुमराह करते आए हैं, उसी तरह से टीवी पे बैठ के जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अब तीसरा सवाल पूछ लेते हैं, तीसरा सवाल रख देते हैं, फिर आपके पास फिर से आ जाते हैं। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कामकाज कैसा रहा? पहले दो सवाल याद रखिएगा दर्शकों, पहले सवाल मुद्दे की बात थे जिसमें 35% के करीब लोगों ने कहा, और दूसरा कामकाज पर लोगों ने वोट की बात कही। अब बतौर प्रधानमंत्री तो खराब कहने वाले लोग 17.14% निकले दिल्ली में, अच्छा कहने वाले 26.44% निकले, बहुत अच्छा कहने वाले 53.93% निकले, और कह नहीं सकते 2.49%। बड़ी अजीब बात है। राहुल लाल आपसे ही शुरुआत करता हूं, यहां पर तो 75% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज की तारीफ कर रहे हैं, हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और वो धर्म जाति नहीं कामकाज पर वोट करेंगे। किस तरीके से तीसरे सवाल को आप देख रहे हैं राहुल लाल? देखिए इन आंकड़ों पर थोड़ा मैं सहमत होना हमारे लिए मुश्किल चीज है, लेकिन फिर भी आपके आंकड़े हैं, क्योंकि देखिए जो प्रथम सवाल है उसमें देखिए बेरोजगारी को लोग बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। एक चीज और उसी कॉलम में आप एक और आंकड़े भी दिख रहा है मुझे कि भ्रष्टाचार के मामले को लेकर 14-15% लोग वोट करने वाले हैं। सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के कई सारे वरिष्ठ नेताओं को, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस समय जो है कि वो जेल में है इस समय, और उसके बावजूद भी 14-15% लोग ही जो है कि भ्रष्टाचार को आपके आंकड़ों के अनुसार मानने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार को लेके बीजेपी जो परसेप्शन बनाना चाह रही थी वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लेके या और अन्य विपक्षी पार्टियों को लेके जनता उसे भी खारिज कर रही है। तो भ्रष्टाचार का मामला विपक्ष के ऊपर चस्पाया जा रहा था, उसको कहीं कहीं सिरे से खारिज कर रही है। और देखिए जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, एक मिनट राहुल लाल जी इस पर अवधेश जी का कमेंट ले लेते हैं। अवधेश जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात रख रहे हैं राहुल लाल, क्या भ्रष्टाचार को दिल्ली की जनता खारिज कर रही है जिसे आप एक नैरेटिव बनाने की दिल्ली में कोशिश कर रहे हैं? देखिए ये तो जो इस समय आम आदमी पार्टी दिल्ली में है ये केवल झूठ बोलने की फैक्ट्री चला रहे हैं, झूठ की फैक्ट्री चला रहे हैं। इनका काम ये है, अच्छा है आप सुनिएगा, झूठे ही भोजन, झूठ झूठी लेते हैं, झूठी देते हैं, झूठी खाते हैं, झूठी परोसते हैं। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी खोली केजरीवाल जी ने, कागजों में वो यूनिवर्सिटी थी, हकीकत में कोई यूनिवर्सिटी नहीं, एक नया स्कूल इनसे नहीं बना। 20 केंद्रीय विद्यालय मोदी सरकार द्वारा दिए गए दिल्ली को, दिल्ली सरकार ने पिछले 10 साल। चलिए अनमोल जी का रुख कर लेते हैं, मैं अगले सवालों पे भी जाऊंगा। अनमोल जी अगर राहुल लाल की बात पर आ रहा हूँ, राहुल लाल ने बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है, अगर भ्रष्टाचार को कम लोग मिल रहे हैं दिल्ली में, तो जो नैरेटिव भ्रष्टाचार का पैदा हो रहा था दिल्ली की जनता क्या उसे स्वीकार नहीं कर रही है? देखिए दिल्ली की जनता बहुत समझदार है राजीव जी, जो जनता ये जानती है कि 2015 में, 2013 में और 2020 में प्रचंड बहुमत देके अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है और मोदी जी को सिरे से खारिज करना है, वो जनता ये भी बखूबी जानती है कि किस तरह से इस तथाकथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का षड्यंत्र रचा गया। लेकिन फिर अनमोल मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, ये हमारा राजीव जी, ये हमारा सुनिए तो, ये हमारा वो सर्वे है जिसमें हम जनता के पास गए हैं, यही जनता कह रही है कि उसे नरेंद्र मोदी पर भरोसा है लेकिन उसे भ्रष्टाचार के मामले पर नहीं है, उसे बेरोजगारी सबसे पहले दिखती है। ये जो जनता का ये जो व्यू निकल कर आ रहा है ये क्यों इतना ज्यादा अलग अलग लग रहा है?
देखिए जनता का व्यू अलग नहीं है, जनता का व्यू स्पष्ट है और जनता का व्यू भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। यही कारण है कि इन्हें अपने 6 सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस को दिल्ली में बदलना पड़ा, क्योंकि ये जानते हैं कि वे बिल्कुल नाकारा हैं। उन्होंने 5 साल दिल्ली का काम रोकने के अलावा कोई और काम नहीं किया। अनमोल भाई, वो तो गुजरात की पूरी कैबिनेट भी बदल चुके हैं। ये बीजेपी का काम करने का तरीका दिखता है सबको। उन्होंने पूरी कैबिनेट में फिर से सत्ता में आए। मैं चौथे सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर कितना काम करेगा? बहुत चर्चा होती है पक्ष विपक्ष के बीच कि मोदी फैक्टर है क्या, कितना असरदार है। तो दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं, मैं वही रख देता हूँ सामने। थोड़ा 11.02% कह रहे हैं, ज्यादा कहने वाले 18.62% हैं, बहुत ज्यादा 50.26% और बिल्कुल नहीं 16.02%, कह नहीं सकते 4.08%। अब इसको लेकर मैं क्या कहूं। सबसे पहले राहुल लाल, आपसे ही शुरुआत कर लेता हूं। मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र और दिल्ली एक ही तरीके से जवाब दे रहे हैं। वो मोदी फैक्टर की भी बात कर रहे हैं, वो मोदी के कामकाज की भी बात कर रहे हैं, और न केवल फैक्टर की बात कर रहे हैं, फैक्टर 60% से ऊपर। राहुल लाल, राजीव जी, देखिए आंकड़ों में तो समानता दिल्ली और महाराष्ट्र में दिख रही है, जो तमाम आप आंकड़े दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो मेरा विश्लेषण है वो भी उसमें भी समानता है कि जो मामला है वो है प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा बनाम मुद्दा। क्योंकि जो ये चेहरा, आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा निष्कलंक है, दाग से रहित है, लिहाजा कामकाज पे तो लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मोदी फैक्टर पर लोग नहीं सवाल उठा रहे। देखिए कहां, राजीव जी एक सवाल का उत्तर दे दूं। इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले काफी हद तक मोदी जी का चेहरा जो है वो बिल्कुल सुरक्षित था, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का जब से पिंडारा वो बॉक्स खुला है, वो पूरा का पूरा पिटारा, उसके बाद देखिए बड़ा विवादों के दायरे में वो सूचनाएं धीरे धीरे लोगों के पास पहुंच रही है। तो फिर उसके बाद लोग क्या यही चीज सोच रहे हैं, ये भी चीज देखना पड़ेगा। हमें लग रहा है ये चुनाव 2004 लोकसभा चुनाव की तरफ जा रहा है, जहां पे एक बार एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा था और दूसरे तरफ विपक्ष के मुद्दे थे और जनता मुद्दे की तरफ गई थी। ये चुनाव 2024 में हम लोग 2004 की तरफ कहीं थोड़ा। चलिए अवधेश उपाध्याय जी, सारे सवालों के बाद भी जनता मोदी फैक्टर को फर्स्ट डिविजन की तरह मान रही है, क्या इससे आपको इशारा समझ में आ रहा है? देखिए इसका साफ इशारा यही है पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं कि देश की जनता को, बच्चे बच्चे को देश के, अपने देश के प्रधानमंत्री पर गर्व है और विश्वास है। उनको पता है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देश की जनता, अनमोल जी आ रहा हूँ, अनमोल जी आ रहा हूँ आपके पास, अनमोल जी एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। जनता कोस रही है अपने आप को, आखिर क्यों ऐसे व्यक्ति को वोट दी। चाहे आप केंद्रीय विद्यालय जो खुलवाए मोदी सरकार ने, 20 नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय दोनों खुलवाए हैं, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल किया मोदी जी ने, उनके ईडी के मुकदमे बंद कराए हैं, उनके सीबीआई के मुकदमे बंद कराए हैं। आज दिल्ली में मोदी जी ने केवल कही थी, मोदी सरकार ने जो कही थी, युवा बेरोजगार है, महंगाई बढ़ रही है, गरीबों को मकान दिए जा रहे हैं, केजरीवाल सरकार ने क्या किया, केवल घोटाले आपके लिहाज से 2024 लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? ये हमने दिल्ली वालों से सवाल पूछा कि आपके लिहाज से आपको क्या लगता है कौन सरकार बना लेगा। तो दिल्ली वालों ने जो अपने मन से जवाब दिया है उसमें भाजपा और सहयोगी दल 77.57%, कांग्रेस और सहयोगी दल 6.58%, क्षेत्रीय दलों की साझा सरकार 3.19% और कह नहीं सकते 12.66%। अनमोल जी, आपको लगता है जो दिल्ली वाले बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं, जो कामकाज पर वोट देने की बात कर रहे हैं, वो मोदी फैक्टर से प्रभावित हैं, प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित हैं, और सरकार बनने के नाम पर वो अभी एनडीए की तरफ झुकते दिख रहे हैं, कितना सहमत लगते हैं आप इससे? दिल्ली की 2 करोड़ जनता इससे बिल्कुल असहमत है, क्योंकि ये आंकड़े बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सच्चाई ये है कि आज बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई जो है वो बेहिसाब हो चुकी, आज युवा बेरोजगार घूम रहा है। अनमोल जी इसी सर्वे के पहले 2 आंकड़े आपको सहमत हैं, इसी सर्वे के बाकी आंकड़ों से आप कह रहे हैं कोई सहमत नहीं है। बात पूरी होने दीजिए। हाँ, नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा अधिकार है राजीव जी, मुझे बोलने का अधिकार मिलेगा? अरे आपको सारा अधिकार है, आप मेरे क्रॉस क्वेश्चन के लिए तो जगह रखें,
या मुझे बता दे, मैं चुप हो जाता हूँ, बोलिए जी। आप राजीव जी एक बार मुझे आप बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। नहीं, इतना समय नहीं है, मुझे औरों के पास भी जाना है, आप अभी पूरा करें। सच्चाई ये है कि 2014 में जब मोदी जी ने भाषण दिया था लाल किले से कि मैं भ्रष्टाचार दूर करूंगा, तो आखिर ऐसा क्यों है कि आज 25 से 30 भ्रष्टाचारी, जिन्हें वो बताते थे जो बीजेपी सर्टिफाइड करप्ट लोग हैं, वो सारे आज पार्टी में शामिल भी हैं। किसी को राज्यसभा सांसद बनाया है, किसी को नेशनल सेक्रेटरी बनाया है, किसी को लोकसभा का टिकट दिया है, और तथाकथित शराब घोटाले में जिन्हें किंग पिन कहते थे पी शरद रेड्डी, उससे 60 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते हैं। मगुंता रेड्डी जो टीडीपी से उनके अलायंस पार्टनर हैं, उन्हें लोकसभा का टिकट देते हैं। और ये महोदय जो दूसरी तरफ बैठे हैं डिबेट में, ये विचलित होके चाहते भी नहीं है कि जनता इनकी सच्चाई सुने। यही कारण है ये चाहते नहीं है कि जनता इनका सच जान पाए। लेकिन आज इनका पर्दाफाश हो चुका। चलिए, हो चुका पर्दाफाश। अवधेश उपाध्याय जी, अवधेश उपाध्याय, ठीक है अनमोल जी, मैंने आपको पूरा मौका दिया। अवधेश जी, मैंने आपको पूरा मौका दिया, आपने सारी बातें रख ली, अब अवधेश उपाध्याय जवाब देंगे। अवधेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लेकर यही दिल्ली वाले और यही महाराष्ट्र वाले एक ही सुर क्यों बोलते दिख रहे हैं? क्या सामने कोई विकल्प नहीं है, आपको ये लगता है? देखिए, विकल्प नहीं, बात यह है कि आज हमारे देश में जो सरकार है, केंद्र सरकार, जो मोदी सरकार है, वो सभी को साथ में लेकर चल रही है, सभी वर्गों को। सबसे बड़ी तानाशाह सरकार है आपकी, आज तक ऐसी तानाशाह सरकार नहीं आई। ठीक है, अपने जो अपने लोगों को बढ़ावा करती थी, एक विशेष वर्ग को लेकर चलती थी साथ में। आज यदि भारतीय जनता पार्टी देश में है, केंद्र में है, तो हर बच्चे को पता है, देश के बच्चा ही जानता है कि अब जो हमारा विकास करने वाला कौन है और कौन हमारे ऊपर राजनीति करना चाहता है। इसीलिए वो देश के प्रधानमंत्री आपके विनाश के मॉडल से लोग परेशान हो चुके हैं। उनका विकास केवल मोदी सरकार में हो सकता है, नहीं तो और दिल्ली सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि चाहे हमें शिक्षा में कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, लेकिन कोई अनपढ़ व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री ना बने। बेटा सीएम बनाना है, किसी को अपने बेटी को सीएम बनाना है, लेकिन एक मोदी सरकार है, भाजपा सरकार है, तो ठीक है। राहुल लाल, ये बताइए, ये आंकड़े दोनों ही जगह के एक पैटर्न पर क्यों आ रहे हैं? क्या लोगों को ये लग रहा है कि उनके सामने और कोई दूसरा विकल्प उतना प्रभावी तौर पर खड़ा ही नहीं हो पाया, लिहाजा उन्हें फिर से मोदी सरकार को सोचना पड़ रहा है, या फिर मोदी सरकार वाकई उतना प्रभावी रही है? देखिए, इन आंकड़ों को 2014 में स्वीकार किया जा सकता था राजीव जी, मैं 2019 में भी स्वीकार करता था कि दिल्ली की जनता विधानसभा चुनाव में अलग ढंग से वोट कर रही थी और लोकसभा चुनाव में अलग ढंग से वोट कर रही थी, लेकिन इस बार का पैटर्न वैसा नहीं है। देखिए, यहाँ पे अवधेश जी हैं, मैं अभी कृष्णानगर गया हुआ था, डॉक्टर हर्षवर्धन को जिस तरह से वो संन्यास लेने के लिए बाध्य हुए राजनीति में, आप बताइए कि क्या कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर एक तरह से दोषारोपण करके उन्हें हटा दिया गया, उन्हें टिकट भी नहीं दिया गया? भारतीय जनता पार्टी में सोचिए कि जो दिल्ली के लोग हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन का कितना सम्मान करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के छवि को बचाने के लिए, केंद्र सरकार के छवि को बचाने के लिए उनको भी जो है टिकट नहीं दिया गया। तो कई तरह के मुद्दे हैं बीजेपी के भीतर भी, दिल्ली बीजेपी में कई तरह के आपको भीतराघात के, कई तरह के जो है विरोध के स्वर भी सुनने के लिए मिलेंगे आपको। मैं मानता हूं कि अभी जैसे जैसे समय और बढ़ेंगे, इन आंकड़ों में कई तरह के परिवर्तन होंगे, क्योंकि विपक्ष देखिए सामूहिकृत है, विपक्ष जो है इस बार बिखरा हुआ नहीं है वो। तो ऐसे स्थिति में ये हम लोग नहीं कह सकते कि विकल्प नहीं है, लोगों के पास अच्छे तो विकल्प है। जो 2014 या 19 में कोई विकल्प हिंसक स्थिति होती तो वो नहीं है, 10 वर्षों का शासन हो चुका है प्रधानमंत्री जी का। अब लोग उनके कार्यों का भी मूल्यांकन कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के 10 वर्ष के कार्य कामकाज कैसे बीते उनके, उस मूल्यांकन के आधार पर लोग जब बातचीत करेंगे तो फिर ये आंकड़े हम लोगों को बदलते हुए भी दिखेंगे। राजीव जी, क्या राहुल मोदी फैक्टर या मोदी चेहरा जो है, क्या उस पर लोगों को यकीन ज्यादा है जो इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, या फिर लोगों का ये मानना है कि फिलहाल कोई उस कद का नहीं आ पाया है, लिहाजा शुरू में अगर जनता ये कहती है कि उसके लिए बेरोजगारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो केवल कामकाज की बात करेगी, वो दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं देगी, वो फिर आखिरी में आकर प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर एक हो जाती है, क्या सामने कोई दूसरा उतना कद का नहीं है? देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखिए, बात विश्वसनीयता की जब होती है, प्रधानमंत्री इसमें है सिटिंग, वो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर है, उनका चेहरा है, इससे मैं इनकार नहीं करता। लेकिन जो दूसरी परिस्थितियां बन रही है, जैसे मान के चले विपक्ष के नेताओं को जो टारगेट किया जा रहा है, अभी अनमोल जी जो गंभीर तथ्य रख रहे थे,
कि भाई आप प्रधानमंत्री खुद आरोप लगाते हैं कि भाई एक्स वाई जेड जो है कि वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। अजीत पवार तो उन्होंने आरोप लगाया और 48 घंटे के भीतर वो एनडीए खेमे में शामिल हो जाते हैं, चलिए सवाल अवधेश जी से पूछ लेता हूँ। अवधेश जी, ज्यादा नाम आपके सामने नहीं रखे जाएंगे, अजीत पवार का नाम एक रख दिया जाता है, दूसरा अशोक चव्हाण का नाम रख देते हैं, इसी को लेकर आपके ऊपर विपक्ष हमलावर है और आपके पास कोई तर्क नहीं है। हालांकि आंकड़े बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जनता एकमत है, लेकिन फिर इन सवालों का जवाब आप कैसे देंगे? देखिए मैं बताऊं आपको, जो ये बात करते हैं कि 25 लोगों के नाम बता रहे थे, 25 में से 23 ये बता रहे थे, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जिसने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और जब वो सदस्यता ली गई तब उनके ऊपर कोई आरोप नहीं था। आप आंकड़े उठा के देखिए, झूठ, बिल्कुल झूठ और निराधार। उसमें अभी केस पेंडिंग में, यदि उनके ऊपर कोई पार्टी का आदेश सुनाता है तो उसी दिन उनको पार्टी से अलग भी कर दिया। अवधेश जी, बड़ी बड़ी लिस्ट लिए लोग बैठे हैं और बड़ा बड़ा इतिहास है, आदर्श सोसाइटी जो आरोप लगे थे वो किस पे लगे थे आपको भी पता होगा। अजीत पवार पर क्या आरोप थे मैं नहीं बताऊंगा, लंबी बात हो जाएगी, आपको पता होगा। लेकिन अगर फिर कोई आरोप नहीं है तो बहुत सारी चीजें उठती हैं, लेकिन फिलहाल ये आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दिल्ली और महाराष्ट्र। राजीव जी, वित्त मंत्री ने खुद ही ये सहमत हुई थी इस बात से जब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर आप जो है भ्रष्टाचारी नेता। नहीं, मेरे पास समय अब नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। आप लोगों ने अपनी बात रखी, जनता ने अपनी बात सामने रख दी है। तमाम आरोपों, तमाम चीजों के बीच भी मोदी फैक्टर, प्रधानमंत्री मोदी पर से भी विश्वास डिगा नहीं लग रहा है, लोगों का विश्वास वहां पर बना हुआ है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, इसमें बढ़ोतरी या इसमें कमी हो सकती है, उसके बारे में हम यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहेंगे। चुनाव वोटिंग का दिन आते आते बहुत चीजें ऊपर नीचे हो भी सकती हैं। फिलहाल ये दोनों महानगर के लोग या महाराष्ट्र और दिल्ली के लोग क्या सोच रहे हैं, आंकड़े हमारे, फैसला आपका, में हमने आपके सामने रखा। फिलहाल आज की पेशकश में इतना ही, नमस्कार।